हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 12 कॉलोनियल सिटीज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, कैसे अंग्रेजों ने उस वक्त हर चीज को प्लान किया, उनका क्या आर्किटेक्चर था, इस सब चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हो। इस चैप्टर में हम द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया, किस तरीके से पूरा शहरीकरण किया गया था, उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको तीन सिटीज याद रखनी बहुत जरूरी हैं, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। इन तीनों सेंटर्स को ओरिजिनली फिशिंग और वीविंग विलेजेस थी, लेकिन धीरे धीरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेंटर बन गए। कंपनी के एजेंट्स मद्रास में 1639 में सेटल होने शुरू हुए, कलकत्ता में 1690 में, और बॉम्बे, जो कि इंग्लिश किंग को पोर्चुगी किंग ने उनकी वाइफ की डाउरी के तौर पे दिया, तो ये 1661 में आ गया इनके पास। कंपनी ने इन जगहों को एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी कि अब इस जगह से हर चीज का ध्यान रखा जाएगा, इस तरीके से इन तीनों सेंटर्स को बना दिया गया। टाउन्स एंड सिटीज इन प्री कॉलोनियल टाइम्स। तो टाउन्स जो होते थे वो ऑपोजिशन में होते थे रूरल एरियाज से। कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी जो वहाँ पे की जाती थी। अगर हम कंट्री साइड की बात करें, यानी कि जो एरिया के बाहर आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ पे लोग किसान खेती करते थे, कल्टीवेशन किया जाता था, या फिर जंगल होते थे और जानवरों को रेयर करना, गायें, भेड़, बकरी, इन सबको पालना, ये सब काम किया करते थे। टाउन्स में आर्टिसंस, शिल्पकार, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और राजा, ये सब टाउन्स में रहा करते थे। टाउन्स जो होते थे वो डोमिनेट करते थे रूरल एरियाज पे। टाउन्स एंड सिटीज जो होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी, किले बने होते थे और दीवारें प्रॉपर होती थी। एक तरीके से सेपरेट किया जाता था इसको कंट्री साइड से, लेकिन लोग आया जाया करते थे टाउन्स के सिटीज में, और सिटीज से गांव में लोग आया जाया करते थे। जब टाउन्स पे अटैक किया जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स, पैसा, सब कुछ टाउन में इकट्ठा होता था, तो मोस्टली अटैक टाउन्स पे किया जाता था। तो लोग टाउन्स में जब अटैक करते थे तो लोग कंट्री साइड, गांव वगांव के एरिया में चले जाते थे शेल्टर लेने। ट्रेडर्स, पेडलर्स अपने गुड्स लेके टाउन से जाते थे विलेजेस में सेल करने। अब बात करते हैं 16th और 17th सेंचुरी में। उस वक्त मुगल्स का राज था, मुगल्स बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स बनाया करते थे। जब मुगल्स का राज था तो आगरा, दिल्ली, लखनऊ, ये इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। सारा का सारा काम इन तीन जगहों से किया जाता था। मनसबदार और जागीरदार हुआ करते थे उस वक्त, जिन्हें ये टेरिटरीज दे दिया करते थे, क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत वास्ट एरिया में था। इतने बड़े एरिया को मैनेज करना, तो वो लोग मनसबदार को अलग अलग एरियाज दे देते थे कि आप इन एरियाज को मैनेज करो। और ट्रेजरी जो होती थी वो इम्पीरियल कैपिटल, यानी कि दिल्ली, आगरा, जो भी कैपिटल है, सारा पैसा अल्टीमेटली, जैसे अगर ये कैपिटल है तो सारा पैसा अल्टीमेटली कैपिटल में ही फ्लो करता था। अब साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, तो साउथ इंडिया में ये देखा गया कि मदुराई और कंचीपुरम ये मेन प्रिंसिपल फोकस टेम्पल्स थे, इम्पॉर्टेंट कमर्शियल टाउन थे। जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल, कोई भी धार्मिक त्योहार होता था, तो जाहिर सी बात है वो तीर्थ स्थल पे लोग जाया करेंगे। तो जब लोग जाएंगे, वहां रहेंगे, तो ट्रेड भी बढ़ता था। राजा जो होते थे वो अपने आप को पैट्रन्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करते थे। 18th सेंचुरी में कुछ चेंजेस होने लगे। वो क्या चेंजेस थे कि जो पुराने टाउन्स जो मुगल के टाइम पे थे वो डिक्लाइन होने लगे और नए टाउन्स डेवलप हो गए। ब्रिटिश पावर खत्म हो गई और नया रूल आ गया। कैपिटल जो दिल्ली और आगरा थी, उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी अब खत्म हो गई। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, रीजनल पावर्स उभरने लगी, जैसे कि पूना में, नागपुर, बड़ौदा, लखनऊ, सेरिंगपट्टनम, तंजावर, ये रीजनल पावर्स इंपॉर्टेंट होने लगी।
नेटवर्क ऑफ ट्रेड में भी चेंज देखा जाने लगा। यूरोपियन कमर्शियल कैपिटल्स उन्होंने सेटअप की। अब जब यूरोपियंस में सब आ गए, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, इन सब ने आए तो ये लोग एज अ ट्रेडर थे। इनका एम ये नहीं था कि ये व्यापार करने के साथ साथ राज करने लग जाएंगे। वो तो वक्त के साथ चीजें ऐसी बनी कि इन्होंने राज करना शुरू किया। तो पोर्चुगीज जब आए, इन्होंने अपना बेस सेटअप किया पानाजी, जो कि गोवा में है, 1510 में। डच ने मसूली पट्टनम 1605, ब्रिटिशर्स ने मद्रास में 1639, और फ्रेंच ने पौंडुचेरी में 1673 में। इन एरियाज को विद टाइम ये फिर कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ने लगी और ये एरियाज ग्रो करने लग गए। एंड ऑफ 18th सेंचुरी में ये देखा जाने लगा कि पहले जो लैंड बेस्ड एम्पायर था एशिया का, जिसमें आपका जो भी पूरा एरिया है जिसके आसपास लैंड है, वो एरिया अब रिप्लेस हो गया था उस एरिया से जिसके आसपास सी था। जिन एरियाज के आसपास सी था, अब वहां की एरियाज पावरफुल होने लग गए थे। मिड 18th सेंचुरी में क्या चेंज आया कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल कंट्रोल, बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया था। पोर्ट सिटीज मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे को रैपिडली इमर्ज किया और ये नए इकोनॉमिक कैपिटल्स बन गए। नए बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे जाने लगे। शहरीकरण हो गया, काफी चीजें अब बिल्कुल बदल गई थी। इन कॉलोनियल सिटीज के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो कॉलोनियल रूल जो था उसमें काफी अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करते थे वो लोग, उनके थ्रू हमें इन सब चीजों के बारे में पता है। एक एक चीज का ट्रैक रखने के लिए सर्वे किए जाते थे, प्रॉपर स्टेटिस्टिकल डेटाज होते थे, रिपोर्ट्स छपती थी। और कॉलोनियल रूल में गवर्नमेंट मैपिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानती थी। क्यों माना जाता था? क्योंकि मैप से वहां का एरिया, मिट्टी कैसी है, सब कुछ अच्छे से पता चल सकता है। क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ के रहने वाले तो थे नहीं, तो उनको अच्छे से अगर उस एरिया पे अपना कंट्रोल रखना है तो मैप के थ्रू उन्हें पूरे एरिया की अच्छी नॉलेज हो जाया करती थी। लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने मनी रेस करनी शुरू की ताकि प्रॉपरली एक एक एरिया को वो लोग एडमिनिस्टर कर सके। म्यूनिसिपल टैक्सेस आने लगे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो कि लोग कहें कि हम ये टैक्सेस नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने इंडियंस को ही इलेक्ट कर दिया कि वही ये टैक्स इकट्ठा करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ। इसका काम होता था कि वाटर सप्लाई प्रॉपर हो, सीवेज, रोड की कंस्ट्रक्शन, लोगों की पब्लिक हेल्थ, इन सब चीजों को देखना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता था। इंडिया में फर्स्ट सेंसस जो किया गया था वो 1872 में किया गया। 1881 से ये लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है और ये रेगुलर बेसिस पे हर 10 साल में किया जाना चाहिए। जो डेटा वहां से कलेक्ट हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1878 में। ये एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर से देखा जाए तो ये डेटा स्लाइड का इंपॉर्टेंट है। 40 ईयर्स में, 1900 से 1940 में, अर्बन पॉपुलेशन में काफी इंक्रीज आने लगा। 10% से देखा गया कि अर्बन पॉपुलेशन 13% हो गई। रेलवे का इंट्रोडक्शन 1853 में हुआ, जिसने टाउन्स का फॉर्च्यून ही बदल दिया। अब ऐसे एरिया जहां पे पहले रिवर्स होती थी या कोई समुद्र नहीं होता था, उन ट्रेडिशनल टाउन्स में भी अब रेलवे के आने से इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगी। रेलवे स्टेशन एक तरीके से जरिया होते थे कि जो भी रॉ मटेरियल, कच्चा सामान इकट्ठा होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इंपोर्टेड सामान बाहर से जो इंपोर्ट होके गुड्स आए हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब रेलवे के थ्रू किया जाने लगा। रेलवे टाउन जैसे कि जमालपुर, वाल्टेर, बरेली, ये डेवलप होने लगे। अब 18th सेंचुरी में मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्रीज बिल्ड करनी शुरू की। अब फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे हैं तो वो खुद भी यहाँ रहेंगे। तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बॉम्बे में फोर्ट, इन एरियाज को बनाया गया जहां ब्रिटिशर्स रहते थे। और ये अगर एक पूरा किला है, इस किले में अगर ब्रिटिशर्स रह रहे हैं तो इसके बाहर एक वॉल है, उसके बाहर इंडियंस रह सकते हैं, जो भी काम करते हैं, मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, लेकिन ये एरिया में इंडियंस नहीं रह सकते थे। व्हाइट और ब्लैक का डिवीजन बहुत
प्रोमिनेंटली लेबल किया गया था कि ये व्हाइट टाउन है और ये ब्लैक टाउन है। 1850s में देखा गया कॉटन मिल सेटअप कर दी गई। इंडियन मर्चेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स जो बॉम्बे के थे या यूरोपियंस ने जो जूट मिल सेटअप की थी वो इस्टेब्लिश होने लगी कलकत्ता में। बॉम्बे में कॉटन मिल्स और कलकत्ता में जूट मिल सेटअप होने लग गई। कानपुर जो कि स्पेशलाइज था लेदर, वुलन और कॉटन टेक्सटाइल में, और जमशेदपुर स्टील में। यहाँ आप देख सकते हो ये जमशेदपुर है, ये कानपुर है। लेकिन इंडिया में क्योंकि इन एरियाज को प्रॉपरली ये डेवलप नहीं हो पाए, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं बन पाई क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। अगर हम देख रहे हैं कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इतने इम्पोर्टेंट एरियाज बन गए, इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा ही कॉलोनियल एम्पायर ग्रो कर रहा था। कुछ एरियाज बढ़ रहे थे लेकिन बाकी सारे एरियाज डेवलप नहीं हो रहे थे। तो एज अ होल कॉलोनी डेवलप नहीं हो रही थी, सिर्फ कुछ एरियाज ही डेवलप हो रहे थे। कॉलोनियल सिटीज में देखा गया कि अब नया तरीके का कल्चर आने लगा। पॉलिटिकल पावर अब शिफ्ट होने लग गई। इंडियन रूलर्स जो पहले थे उनसे यूरोप के व्यापारियों के पास पावर शिफ्ट होने लग गई। जो एरियाज रिवर या सी के पास थे वो डेवलप होने लगे, नए घाट्स और डॉक्स बनने लगे वहां पे। क्योंकि जाहिर सी बात है जितना ज्यादा व्यापार हो रहे थे, कितनी सारी बोट्स खड़ी हैं, जितना व्यापार होता जाएगा तो वो एरिया में ज्यादा पैसा फ्लो कर रहा है उस एरिया में, तो ज्यादा ज्यादा डॉक्स और डेवलप करे जाने लग गए। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड इंडियंस की तरफ प्रॉपरली फियर में होता था कि कहीं ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर डिवीजन किया जाने लगा कि ये वाइट का टाउन है तो यहाँ पे सिर्फ वाइट रहेंगे, इनके आसपास एक थिक वॉल होगी और इसके बाहर एक ब्लैक टाउन होगा जहाँ पे इंडियंस रह सकते हैं। वाइट पीपल सिविल लाइन्स में रहने लग गए और कंटोनमेंट एरियाज में, और उन लोगों ने एक सेपरेट इंडियन टाउन डेवलप किए जो कि उसके अटैच होते थे, मतलब पास ही हैं पर फिर भी एक डिवीजन होता था। हिल स्टेशन, द फर्स्ट हिल स्टेशन 1815 में शिमला फाउंडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गोरखा वॉर। 1818 में एंग्लो मराठा वॉर लेड द इंटरेस्ट ऑफ माउंट आबू। 1835 में दार्जिलिंग वॉज रेसल्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ सिक्किम। हिल स्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन गई जहां पे ब्रिटिशर्स अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, एनिमी रूलर्स के अगेंस्ट कैंपेन लॉन्च करनी हो या अपने एरियाज का ही गार्ड करना है, ध्यान रखना है, तो वो माउंटेन से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और पहाड़ों का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा होता था तो ब्रिटिशर्स अपने आप को एसोसिएट कर पाते थे क्योंकि यूरोप का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है, और जब भी कभी यहाँ पे गर्मी या महामारी फैलती थी तो वो लोग पहाड़ों पर चले जाया करते थे। 1864 में वॉइसरॉय जॉन लॉरेंस ने तो अपनी काउंसिल को ही शिमला शिफ्ट कर दिया, गर्मियों में वो वहां चले जाया करते थे। शिमला ऑफिशियल रेजिडेंस बन गया कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का, अब वो वहीं ऑफिशियली रेसाइड करने लग गए। रेलवे के इंट्रोडक्शन ने तो और ज्यादा आसानी कर दी क्योंकि अब पहाड़ों पे ट्रैवल करना आसान हो गया। बिल्डिंग्स वहां यूरोपियन स्टाइल में ही बनाई जाने लगी कि ब्रिटिशर्स को अपने आप से बेटर कनेक्ट कर पाते थे वो लोग। हिल स्टेशंस इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी हो गए क्योंकि वहां से टी और कॉफी की प्लांटेशन होती थी, तो लेबर का काम तो इंडियंस ही करेंगे, तो इंडियंस माइग्रेट करने लगे उन एरियाज में। सोशल लाइफ इन न्यू सिटीज, अब हमने यहाँ पे ये देखा कि गरीब और अमीर के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस था। नए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यानी कि घोड़ा गाड़ी हो गया, ट्रैम, बसेस ये आने लग गई, तो इससे क्या हुआ कि जो लोग शहर से थोड़ा दूर भी रहते थे वो अब डेली अप डाउन करके काम करने आ सकते थे। अलग अलग क्लासेस बड़े बड़े शहरों में माइग्रेट करने लगी क्योंकि क्लर्क, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट इनकी डिमांड बढ़ने लगी। और इससे क्या हुआ कि अब ये लोग जो काम कर रहे थे वो बहुत अमीर नहीं होते थे लेकिन वो गरीब भी नहीं थे, तो एक नई क्लास मिडिल क्लास इंक्रीज होने लग गई। वुमेन का रोल, पहले ये माना जाता था कि वुमेन तो सिर्फ एक मदर या वाइफ की तरह घर में ही रह के काम करती है, लेकिन अब वुमेन पब्लिक में आने लग गई। वुमेन फैक्ट्री में काम करने लगी, वुमेन टीचर के तौर से, एक्टर्स के तौर से थिएटर्स में और फिल्म्स में काम करने लग गई। इससे क्या हुआ, वुमेन अब सोशली अब पब्लिक प्लेसेस में आने लग गई, अब सिर्फ घर की चार दीवारियों में नहीं रहती थी वुमेन, वुमेन अब बाहर के काम भी करने लग गई।
मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे तो ग्रेजुअली बिगेस्ट सिटीज बन ही गए थे। अब मद्रास की बात करते हैं तो 1639 में ट्रेडिंग पोस्ट मद्रासपत्तनम ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। सेटलमेंट वहाँ पे लोकली इसको चिन्नापट्टनम, आई थिंक मैं ये ठीक बोल रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट स्पेलिंग आप ये देख लीजिएगा, ये भी कहा जाता था। कंपनी ने वहाँ के लोकल तेलुगु लॉर्ड्स और नायक्स इन सब से परचेज कर लिया था इन एरियाज में रहने का राइट। जब फ्रेंच के साथ ब्रिटिशर्स की राइवलरी बढ़ी तो उन्होंने फोर्टिफाई कर दिया मद्रास को, तब वहां पे फोर्ट बना और पॉलिटिकल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन का काम मद्रास में तब बढ़ने लगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ पे सिर्फ वाइट लोग रहते थे। यहाँ पे ये देखा गया कि जो कल्चर और रिलीजन के बेस पे ही डिटरमाइन किया जाता था कि कौन इस फोर्ट में रहेगा। ब्रिटिशर्स के अलावा डच, पोर्चुगीज भी अलाउड थे, यानी कि बेसिकली जो यूरोपियंस हैं और जो क्रिश्चियन हैं, दोनों चीजें वो यहाँ पे इस फोर्ट में रह सकते थे। मॉडर्न टाउन प्लानिंग शुरू होने लगी, इंटायर जो शहर का स्पेस था उसको प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाने लगा। प्लानिंग का काम ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल पे रूल करना शुरू किया तभी से ही कर रहे थे, लेकिन जब 1756 में सिराजुद्दीन दौला को हरा दिया गया नवाब ऑफ बंगाल को, तो उन्होंने जो नवाब ऑफ बंगाल का किला था उसको उन्होंने अपने गुड्स रखने की जगह बना दी, और ब्रिटिशर्स को लगा कि उनको अब नए किले बनाने चाहिए इस एरिया में जिन पे कोई इजीली अटैक ना कर सके और उन्हें कोई हरा ना पाए। फोर्ट विलियमसन ने जब कैलकटा में फोर्ट बनाया, उसके अलावा उन्होंने काफी बड़े बड़े मैदान छोड़ दिए ताकि कोई भी अगर बाहर से आएगा तो वो मैदानों में दिख जाएगा, इसलिए कोई उस एरिया पे कब्जा ना कर पाए, उन्हें हरा ना पाए। इसके अलावा कलकत्ता के जो फोर्ट्स थे वो सिर्फ फोर्ट विलियम और मैदान नहीं थे, और भी नई नई बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट हाउसेस और अलग अलग बिल्डिंग्स वहां पे बनने लगी। वीजली रोट अ मिन्यूट इन 1803 जिसमें उन्होंने कहा कि टाउन प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और उन्होंने काफी अलग अलग कमिटीज को भी सेटअप किया। वीजली के डिपार्चर के बाद टाउन प्लानिंग लॉटरी कमेटी ने 1817 से शुरू कर दी थी करनी। लॉटरी कमेटी का बेसिकली काम ये था कि वो फंड्स लेते थे और पब्लिक लॉटरीज के थ्रू फंड्स रेज होते थे, और उनके थ्रू ये पूरे एरिया में किस तरीके से सड़क बनेगी, कहाँ पे घर बनेंगे, इन सब की प्रॉपर प्लानिंग की जाने लगी लॉटरी कमेटी के थ्रू। अब जब एपिडेमिक, महामारियों के डर फैले तो प्लानिंग और भी ज्यादा जरूरी हो गई। कॉलरा शुरू हो गया 1817 में, 1896 में अलग महामारियां आई, तो इनके कारण इनको लगा कि प्रॉपर एरिया को मैनेज करने के लिए इनको देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या होना चाहिए। प्लानिंग करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लैक और वाइट अब सिर्फ टाउन्स रहने के एरिया नहीं थे, पर अब इनको हेल्दी और अनहेल्दी भी कहा जाने लगा कि जहाँ पे अंग्रेज रहते हैं वो एरिया हेल्दी है, साफ है, लेकिन जो जहाँ पे ब्लैक टाउन है, जहाँ इंडियंस रहते हैं, वो एरिया अनहेल्दी है। इस बात पे इंडियंस ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स यूरोपियंस बायस्ड हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, इसमें एंटी कोलोनिज्म यानी कि अब हमें इस ब्रिटिश राज से आजादी चाहिए और देशभक्ति की फीलिंग इंडियंस में जागने लगी। अब बॉम्बे के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। बॉम्बे बेसिकली 7 आइलैंड्स थे अलग अलग, पॉपुलेशन यहाँ बड़ी, काम बड़ा, लोग ज्यादा आने लग गए, तो इन पांचों जगहों को मिला के एक बड़ी सिटी बना दिया गया। बॉम्बे कमर्शियल कैपिटल है, और जब कॉलोनियल टाइम की कमर्शियल कैपिटल थी, यहाँ पे पोर्ट्स थे और इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड होता था बॉम्बे से। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड आइटम जो बॉम्बे से इम्पोर्ट की जाती थी वो थी ओपियम, ये चाइना एक्सपोर्ट किया जाता था। बॉम्बे की इकोनॉमी डायरेक्टली लिंक थी मालवा, राजस्थान और सिंध के एरिया में जहाँ पे ओपियम ग्रो होता था। कंपनी के कोलैबोरेशन के कारण जो इंडिया के बिजनेस क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास थी, उनको भी प्रॉफिट होने लगा और उनकी भी ग्रोथ हुई। अमेरिकन सिविल वॉर हुआ 1861 में, तो अमेरिका से आने वाली कॉटन कम हो गई, धीरे धीरे इंडिया की कॉटन की डिमांड बढ़ने लगी। 1869 में जब स्विस कैनाल ओपन हो गई तो बॉम्बे के लिंक वर्ल्ड इकोनॉमी से और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए। अब बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर हमें क्या बताता है?
बिल्डिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि पहाड़ों में भी यूरोपियन स्टाइल में ही बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। तो बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें क्या बताते हैं? वो हमें उन लोगों के, जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनके क्या विचार थे उस टाइम पे, वो क्या चाहते थे, वो सब रिफ्लेक्ट होता है। उनका क्या विजन था वो हमें पता चलता है इन बिल्डिंग्स के थ्रू, रूलर्स इन बिल्डिंग्स के थ्रू। इवन मुगल्स के टाइम पे भी, उनके बाद भी, अपनी शक्ति दिखाने का तरीका होता था बिल्डिंग्स। और बिल्डिंग्स में किस तरीके की ब्रिक्स लग रही हैं, स्टोन पिलर्स, डोम किस तरीके का है, रूफ किस तरीके का है, उनके एक-एक चीज से, हर एक-एक जो चीज उस बिल्डिंग में लगी है, उसे किस तरीके से बनाया जा रहा है, वो सब बहुत सी बातें कहती थी। इसीलिए बिल्डिंग्स को बहुत ध्यान से बनाया जाता था और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती थी इन बिल्डिंग्स में। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 12 ऑफ हिस्ट्री क्लास 12, द कॉलोनियल सिटीज। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।